हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और बैंगन का भजिया। तो हम बैंगन लेने आए हैं। तो बैंगन के भजिया के लिए हमारी फैमिली के हिसाब से दो बैंगन काफ़ी है। तो हम इसको काट लेंगे पतला पतला। बैंगन को हम पतला पतला काट कर पानी में 2 से 3 मिनट तक छोड़ देंगे, इसके कस निकल जाएंगे। लिया है हमने 2 आलू, इसके छिलके उतार लिए हैं। तो अभी से भी पतली पतली काट कर बैंगन के साथ पानी में रख देंगे। देखिए, आलू और बैंगन हमने पतले पतले काट कर पानी में रख रखे हैं। 2 मिनट तक इसको रहने देंगे। अब हम भजिया के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो हमने भजिया का मसाले के लिए लिए हैं 2 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच नमक, स्वादानुसार नमक। तो हम इसको मिला लेंगे। तो हम इसमें थोड़ी सी पानी डालकर इसे मिला देंगे। देखिए, मसाले अच्छे से मिल चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसे भी मिला लेंगे। हमारी कढ़ाई में तेल गर्म हो चुकी है। तो अब हम भजिए को अच्छे से मसाले में डुबो कर तल लेंगे। ये बैंगन का भजिया हमने डाला है। अब हम डाल देंगे आलू का। बच्चे आलू बहुत पसंद करते हैं, तो उनके लिए आलू का। गाइस, इसकी खुशबू बिल्कुल फिश फ्राई की तरह आ रही है, तली हुई मछली की तरह। खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो अभी हम इसको पलट देंगे। इसको हम पलट दिए हैं। अब पकने देंगे दूसरे साइड भी। तो देखने में तो पकौड़ा जैसा लगता है, खाने में बिल्कुल उससे अलग और बहुत अच्छी टेस्ट लगती है इसकी। तो देखिए गाइस, आलू और बैंगन का भजिया बन गया है। देखने में भी अच्छा लग रहा है, खुशबू भी अच्छी आ रही है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप भी बनाइए और खाइए।